सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, फोर्सेप्स डिलीवरी हो, घर वालों को यही क्वेश्चन होता है सर बोतल कब लगवानी है, कि तो हम कहते हैं नहीं बोतल नहीं लगवानी, ये सब इसके बाद में आदत नहीं पड़ेगी। इसलिए आंसर वर्ड भी अलग है कि आप पीरियड इशू प्लीज विल बी एग्रीइंग विद दिस थिंग, वी आर आल्सो डूइंग सेम जॉब। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट स्ट्रेस ऑन इट्स आवर ड्यूटी, इट इज नॉट पीरियड इशू ड्यूटी, it is the gynae people's duty, it is the nursing staff's duty, because they listen to you. हमारे पास तो बच्चा पैदा होने के बाद सुनते हैं, तब तक ना कितना सुनते हैं कि सुनते हैं। So our aim is to focus and stress and promote breastfeeding till 6 months. Now you must be aware that the government of India, earlier they were giving 3 months, then it converted to 6 months maternity leave. Colostrum, it is secreted during the initial 3 to 4 days. The colostrum is small in quantity, it is yellow in color and thick in consistency. This colostrum contains large amount of antibodies, mainly IgA. It has various immunocompetent cells, it has lactoferrins and various vitamins. Now this colostrum is followed by a transitional milk which is secreted after 3 to 4 days until 2 weeks. In transitional milk, immunoglobulin and protein content decreases, whereas fat and sugar content increases. So right after the transitional milk, we have the mature milk, which follows the transitional milk. This mature milk is thinner and watery, and it contains all the nutrients. वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक जो है, विश्व स्तनपान दिवस जिसे हम कहते हैं, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हर साल मनाया जाता है। इसका काम होता है अवेयरनेस अमंग दी पब्लिक कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, हर माता बहनों को बोलना चाहिए कि आफ्टर डिलीवरी बच्चे को माँ का दूध पिलाना ये बहुत आवश्यक है। तो इस वीक लॉन्ग जो हमारा एक्टिविटीज़ थी, हम अपने इंस्टीट्यूशन में, एसकॉम इंस्टीट्यूशन में हम मना रहे हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की इस दौरान। पहली एक्टिविटी हमने की है डिपार्टमेंट के अंदर, अवेयरनेस लाई स्टूडेंट्स को और MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसके बाद नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसके बाद हमने माताएं जो हमारे पास OPD में आ रही थी, गायनी में आ रही थी OPD में, उनको हमने बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंडिविजुअली बताई, वार्ड्स में जाके हमने बताया, उसके बाद हमने जो हमारे पास के स्कूल हैं वहाँ पर जाके लोगों को बताया। अब ये आज 5th को आज हमारे एक सिम्पोजियम होता है, जिसमें आज आपने देखा होगा कि MBBS स्टूडेंट्स, प्री फाइनल स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेस्टफीडिंग के बारे में बता रहे हैं। हमारे इस चीफ गेस्ट डॉक्टर पवन मल्होत्रा हैं, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं इस आज की एक्टिविटी के। और हमारे इसके बाद एक हम नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है हमारी एक स्किट पेश करेंगी, जिसमें पूरा बताया जाएगा अवेयरनेस की, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है ना, उसमें बताया जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितने फ़ायदे होते हैं, बोतल के दूध के कितने नुकसान होते हैं। और इस पूरा दौरान हमने डिफरेंट पोस्टर्स बनवाए थे, वो आपने देखे होंगे कि डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डीमेरिट्स ऑफ काउज फीडिंग, डीमेरिट्स ऑफ बॉटल फीडिंग और फार्मूला फीड्स, ये पूरा बनाते हैं। इस अवेयरनेस का काम ये अवेयरनेस तो हम 365 डेज करते हैं, बट इन 7 दिनों के अंदर हमारी ज़्यादा जोर होता है कि माताओं को, बहनों को जो कि इस बारे में बताना है कि माँ के दूध बहुत ज़रूरी है और माँ का दूध जो है अमृत होता है। अभी मैं बार बार यही बोलता हूँ कि माँ का दूध जो पिया हो तो सामने आ, कभी कोई ये नहीं बोलता गाय का दूध पिया हो तो सामने आ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ जो है हम लोग करके, हम ये कहते हैं कि माँ का दूध जो है अमृत है, ये बहुत ज़रूरी है, माँ का दूध सभी के लिए ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन जो है ये इससे बहुत अच्छी हष्ट पुष्ट पैदा होंगी। और ये इसलिए मैं हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि माँ का दूध जो है अवश्य पिलाएं विद इन 1 आवर ऑफ द डिलीवरी, ये मैं मैसेज देना चाहूँगा। ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम हर साल ये मनाते हैं, उनमें से कोई एक दिन चुन लिया जाता है जिसको हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के नाम से डेजिग्नेट करके यहाँ पे हम एक एकेडमिक एक्टिविटी करते हैं। इस एकेडमिक एक्टिविटी का प्राइमरीली मकसद ये होता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस जनरेट करें अमंगस्ट द पब्लिक एज वेल एज अमंगस्ट द मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो वही प्रोग्राम चल रहा है अभी अंदर, तो बच्चे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं और बड़ी एक्सप्लिसिट प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत इसमें
उनके वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन करी है एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि ये जो कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में वो पब्लिक को भी बताएं, और आपके माध्यम से अगर ये ब्रॉडकास्ट करते हैं तो लोगों को भी इनका थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि उनको घर बैठे बैठे थोड़ी जो भी नॉलेज आएगी इस सेमिनार के थ्रू उनको लोगों को मिल सकती है। ये जो एक्टिविटी है ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ली है अपने सिर पे जिम्मे पे और ये ऑर्गेनाइज करी है इन्होंने इन एसोसिएशन विद इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जम्मू ब्रांच एंड नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है उनके उनके कोलैबोरेशन में करके ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।